यहाँ पे नयाज काजी के साथ हैं, जो लेडीवुड से कंजर्वेटिव के हाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं लेडीवुड के लिए। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो लेडीवुड के लिए क्या कर रहे हैं और लेडीवुड्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर आपने आज बुलाया इंटरव्यू के लिए। लेडीवुड ऐसी जगह है जहाँ सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर में काफ़ी तरक्की हो रही है, बिजनेस इज इन्वेस्टिंग, पर साथ में यू हैव द ओल्ड लेडीवुड। ओल्ड लेडीवुड के आसपास में प्रॉब्लम काफ़ी काफ़ी है अपने बर्मिंघम के हिसाब से। चाइल्ड पॉवर्टी जो है इट्स द लॉन्ग हाइस्ट रेट इन द यूके, साथ में क्राइम का भी प्रॉब्लम है, स्कूलिंग के भी सब इशू। तो हमारे तरफ से हमारे को बैलेंस करना है कि एक साइड पे मतलब सब बिजनेस जो आ रहे हैं उनके साथ काम करके अपने को जो ओल्ड लेडीवुड है उनमें थोड़ा वह इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्कूल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब क्रिएशन वो करना है, साथ में अपने को वो जो क्राइम के इशू जो है, जो लोग रात को दिन को बाहर आते हैं उनको फिक्र होता है कि सिक्योरिटी ने सेफ्टी क्या है, तो वो सब ये जो प्रॉब्लम है अपने को ओवरकम करना है। सो आप लेडीवुड के स्कूल्स की एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं लाइक बहुत यंग हैं या प्रॉब्लम्स है यंग चिल्ड्रंस में, यूथ में, या पढ़ाई के लिहाज से आप स्कूलों के रेटिंग लाइक बेटर करना चाहते हो? दोनों हिसाब, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्कूल का जो रेटिंग है, स्कूल के इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, अचीवमेंट्स, GCSE, उसमें भी उनको साथ देना है कि उनको कैसे और आगे बढ़ सकते बच्चे। साथ में आज के ज़माने में GCSE के हिसाब से और भी क्वालिफिकेशन होते हैं, मतलब अप्रेंटिसशिप में मैं गवर्नमेंट का एडवाइज़र हूँ, UK तौर पे मैं बिज़नेस के साथ भी मिलता हूँ, उनके साथ बात करता कैसे उन लोग अपने कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, ने क्या प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, लार्ज जो बिज़नेस है, लार्ज बिज़नेस मतलब उनका जो टर्नओवर 3 मिलियन के ऊपर होता है पेरोल, तो वो पेरोल के हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता है 0.5%। सब बोलते हैं कंजर्वेटिव पार्टी जो है बिग बिज़नेस से टैक्स नहीं लेते हैं, उन लोग से फ़ायदा नहीं करते हैं, मतलब फॉर द कम्युनिटी, बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल के हाउ द कंजर्वेटिव पार्टी इज़ वर्किंग विद बिग बिज़नेस एंड चार्जिंग अ टैक्स। तो वो टैक्स के हिसाब से फिर वो पैसे स्किल्स ने ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यूथ है जिसको मतलब स्कूल में जो GCSE ने A level में सही नहीं रहता है, तो उन लोग अप्रेंटिसशिप के रूप में स्किल डेवलपमेंट, जॉब स्किल्स जो होते हैं, तो वो वजह से उन लोग फिर आसानी से जॉब भी मिल सकता है उनको, साथ में प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। ने अभी दूसरा भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, फाइव सिटीज़ प्रोजेक्ट है बर्मिंघम है अंदर, लेस्टर एंड अदर सिटीज़। तो अपने जो कम्युनिटी है एशियन ब्लैक कम्युनिटीज़ अपने उन पर फोकस कर रहे हैं, जैसे हम लोग उनको कैसे फैसिलिटीज़ दे सकते हैं फॉर इनरोलिंग ऑन टू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो ये जो सब अपॉर्चुनिटीज़ ने अपने सामने आ रहे हैं, मेरे को लेडीवुड के अंदर ऑफर करना है, प्रमोट करना है, तो अपने कम्युनिटी के साथ, फैमिली के साथ भी बात करना है, इन्हें बताना है, इन्हें साथ में स्कूल के साथ भी करना है। अप्रेंटिसशिप के लिए आपने क्या एज ग्रुप डिसाइड की है? बिकॉज अप्रेंटिसशिप बेसिकली 16 एज अंडर 18 के लिए भी है फॉर यूनिवर्सिटीज़ में, फ्यू स्कूल्स में। सो अप्रेंटिसशिप में बच्चे जो हैं वो कौन से प्रोफेशन में जाएंगे या अप्रेंटिसशिप में वो कैसे लेंगे? जी अब क्या है, ये जो प्रोग्राम जो अप्रेंटिसशिप का शुरू हुआ दो तीन साल से, जब से ये टैक्स भी शुरू हुआ, इट इज़ मतलब प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम है। आजकल अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं अप्रेंटिसशिप के थ्रू, आगे जाके नर्स भी बन सकते हैं। एंड एज ग्रुप जो था पहले कि इट वॉज टारगेटेड फॉर 16 to 24, अब वो बात नहीं है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ टारगेट ग्रुप, ने ज़रूरी है कि अपने जो यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी ने प्रोग्रेस मिला, पर अपने को अब रिटर्नर्स, मदर्स जो होते हैं जिसको रिटर्न करना हो कम्युनिटी में से, जो अनएम्प्लॉयड हो, जो भी हो, मतलब उनको देयर इज नो अपर एज लिमिट। तो स्पेशल नीड्स स्कूल, डिसेबिलिटीज एंड केयर्स, आर वी एज एन एजुकेशन फोकसिंग ऑन मोर डिसेबिलिटीज, स्पेशल नीड्स एंड केयर, व्हाट यू कैन लाइक टॉक अबाउट दिस? सो नहीं, ज़रूर है, अपने जो स्पेशल नीड्स के जो है उनको प्रायोरिटी देना है, उनको सपोर्ट देना है, एंड ज़रूर जो भी उनका जो रिक्वायरमेंट है अपने को फुलफिल करना है। तो अप्रेंटिसशिप के रूट में भी है, मतलब मैं Channel 4 के हेड ऑफिस में भी आया था, तो वह जो ऑटिस्टिक बच्चे जो थे उन लोग फुल कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ने एम्प्लॉयर के हिसाब से उनको फुल सपोर्ट मिल रहा है, ने मैंने दूसरी भी कंपनियों में भी देखा, एंड BBC ने सब ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट हैंड मैंने देखा कि यू नो इट्स लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। साथ में अपना जो मिडलैंड्स में है, मैं आई एम वर्किंग विद द मेयर एंडी स्ट्रीट फॉर द वेस्ट मिडलैंड्स कंबाइंड अथॉरिटी, ने अपने को मेंटरशिप स्किल्स डिवेलपमेंट के प्रोजेक्ट है विच विल ज़रूर अपना
and priority here for apne special needs. What are you thinking to bring a change in the Ladywood, and what are you looking for in future for Ladywood? Ladywood ko mere ko balance banana hai. Ami ek do labor party jo hai apne council mein, unne ek do plan banaye hai jo apne kafi nuksan ho sakta Ladywood ke liye in terms of congestion charge. Congestion charge un log ne kya unko charge karna hai. Ne apna Ladywood ward jo hai city center mein aata hai, ne Ladywood, you know, old reservoir, Edgbaston reservoir ke paas aata hai old Ladywood. To isme kafi nuksan bhi ho sakta hai apne residents ke liye. वो क्लैरिटी मिला नहीं अभी तक. मैंने पूछा भी है, अपने पार्टी ने भी पूछा है, काउंसलर रॉबर्ट ओल्डन ने भी उनके साथ बात करी कि क्या है डिटेल इसके बारे में, बिकॉज ये कंजेशन चार्ज बस ऐसे शुरू तो नहीं कर सकते बिकॉज काफ़ी नुकसान का चीज़ है. तो उनकी तरफ से अभी कुछ जवाब नहीं आया. हम लोग भी मानते हैं कि वी नीड अ क्लीन सिटी एंड ग्रीन इन्वायरमेंट. हमारे पॉलिसीज भी है वो, हम लोग शुरू कर रहे हैं एंड वी वॉन्ट टू वर्क अगेंस्ट जो पार्टी जो अभी मतलब लेबर जो शुरू कर रहे हैं, दे आर रिड्यूसिंग द पार्क्स एंड दे आर इन, इससे नुकसान होने वाला अपने को. अभी आपने देखा था लास्ट ईयर अपने बर्मिंगम में रबिश का क्या हालत था, ना प्रॉब्लम. अभी क्रिसमस के टाइम पे भी था ऐसा, पर अपने समर में काफ़ी, यू नो, पूरा सिटी में साथ में कचरा के साथ, यू नो, बग्स ने इलनेस फैलते इससे. तो ये अभी लेबर पार्टी भी जो बता रहे हैं उनको ट्वाइस मतलब एवरी वीक का रबिश पिकअप नहीं करना है, उनको एवरी टू वीक्स करना है. तो हम लोग भी इसके अगेंस्ट है. तो हमारे पार्टी फॉर बर्मिंगम कंजर्वेटिव पार्टी अपने को बताना है उनको कि वी आर प्रमोटिंग दैट इट शुड बी वीकली बिन्स, ने अपना रिसाइकलिंग भी सिक्योर होएगा बिकॉज अपने बर्मिंगम में भी इट्स गॉट द वर्स्ट रिकॉर्ड फॉर रिसाइकलिंग. यह भी गलत है बिकॉज अपना सोसाइटी अपने यूथ के लिए अपना रिसाइकिल नहीं करेंगे एंड बी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, तो अपना नुकसान है इसमें. तो साथ में अपना रबिश कलेक्शन सही है, वी हैव टू मेक श्योर इट स्टेज इन टर्म्स ऑफ the weekly and we can't allow the Labour Party to change that. Saath mein congestion charge bhi jo hai, congestion charge bhi apne Ladywood mein iska you know problem nuksan kar nahi sakta because it will be very bad for the residents there. Street cleaning hai ya parks hai, aap isme kya difference dekhna chahte ho, like in future what you want to give to the generation upcoming and at the moment youth going through with, you know, like this whole situation. I've seen so many parks which is like you go there you have to pay for the parks. Few parks are finished, old type toys, swing, slide is not right equipment for the children to play in the parks, local parks. So do you think they need to change in parks where when children go and they like the environment in the park? Gee, the park should be safe, secure, clean and good for all age groups. You know what, park mein ja ke gandagi nahi hona chahiye sath mein, you know, आजकल लेडीवुड में, यू नो, ये प्रॉब्लम ऐसा भरा है कि अनफॉर्चुनेटली आप जाएंगे तो ड्रग का भी प्रॉब्लम है, तो पार्क में भी ऐसे सब चीज़ें भी दिखते हैं. तो ये सब अपने को ओवरकम करना है बिकॉज वह जो सब अपने सोसाइटी के लिए, दे शुड बी लिविंग हैप्पीली पीसफुली इन अ क्लीन सिक्योर इन्वायरमेंट. तो पार्क के हिसाब से अपने को इन्वेस्टमेंट रखना है और पार्क में मेक श्योर द स्विंग्स एंड जो आपने बताया सब हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इट्स गुड एंड क्लीन एंड द फैमिली फील कंफर्टेबल दैट दे शुड बी एबल टू एंजॉय द फैसिलिटीज. इफ यू लीव एनी मैसेज फॉर योर लेडीवुड. Hello, Assalamualaikum. It's Nayaz Qazi here. Vote for Nayaz Qazi, please, the candidate for the Ladywood ward on May the 3rd election. Inshallah, we will bring positive change for us all in Ladywood and we'll be having a safer, prosperous environment.